गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ खुदा ताला के फजल करम से आप खुशोखरम होंगे और मेरी खुदा ताला से दुआ है कि आप हमेशा खुशोखरम रहें। दोस्तों, आज हम डॉक्टर एक्विच के आर नंबर 79 यानी कि आर नंबर 89 के मुतालिक जानेंगे कि आर नंबर 89 किस मर्ज के लिए इंतहाई मौजू तरीन है और इस कम्बिनेशन में कौन कौन सी मेडिसिन शामिल की गई हैं और इस मेडिसिन का तरीका इस्तेमाल जानेंगे कि इस मेडिसिन को किस तरह इस्तेमाल करना है। ये सब कुछ जानने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि हमारे इस वीडियो से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। आर नंबर 89, इसमें एलियम स्टाइबा, क्रेटिगस, विस्कम एल्बम, ये मेडिसिन इसमें शामिल की गई हैं और इसको बहुत रिसर्च के बाद डॉक्टर एक्विज ने तैयार किया है। ये मेडिसिन खून में चर्बी की ज़्यादती और दौराने खून की दुआ है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही मुफीद तरीन मेडिसिन है और जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो कोलेस्ट्रॉल के लिए एक बहुत ही मुफीद तरीन मेडिसिन है। दूसरी मेडिसिन, अंग्रेज़ी मेडिसिन, आपको सारी उम्र खानी पड़ेगी, लेकिन अगर R79 आप इस्तेमाल करते हैं, ये आपको चंद महीने इस्तेमाल करने के बाद मेडिसिन से आपकी जान छूट जाएगी। असल में ये मेडिसिन जो चर्बी पैदा कर होती है उसकी वजह को दूर करती ताकि जिस खून की नालियों में चर्बी पैदा ना हो और ना ब्लड प्रेशर बढ़े, तो इसलिए ये बहुत मुफीद तरीन मेडिसिन है। खून के दबाव, ब्लड प्रेशर की ज़्यादती, सर के चकराने का बार बार हमला, सांस लेने में तकलीफ, थकन का एहसास, हाफजा कमज़ोर, ये दवा दौराने खून को फ़ायदा बनाती है और खून की रगों की बीमारियों को दूर करती है, खून में चर्बी की मकदार को कम करती है। दिल के दौरे में इंतहाई मुफीद तरीन मेडिसिन है। अब इसका तरीका इस्तेमाल शुरू के दिनों में सुबह, दोपहर, शाम खाने से पहले एक कैप्सूल 3 टाइम लगातार इस्तेमाल करना है। जब आपको अफाका शुरू हो जाए तो यही मेडिसिन सिर्फ रात के वक्त खाने से 15 से 20 मिनट पहले आपने इस्तेमाल करनी है, लगातार जब तक ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल ना हो जाए या कम से कम 2 से 3 महीने लगातार इस्तेमाल करने हैं। बफजले खुदा आपका मरीज़ मुकम्मल तौर पर शफायाब हो जाएगा। गॉड ब्लेस टू ऑल।